आइए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे घड़ी घड़ी घमासान खबरों का तूफान। तो धारचूला में रविवार को नेपाल की तरफ से किए गए पथराव के बाद जो पुल बंद कर दिया गया था, जिससे तनाव का माहौल बन गया था, अब इस पुल को खोल दिया गया है। और नेपाल की ओर से लगातार किए जा रहे पथराव के बाद अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल बंद करा दिया गया, जिससे दोनों देशों के बीच आवाजाही बंद रही। धारचूला नेपाल और चीन से लगने वाला सरहद इलाका है। यहाँ इसी पुल के सहारे नेपाल से लोग अपना सामान बेचने, मजदूरी करने और खरीदारी के लिए भारत आते हैं। लोकल्स तक इनको इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचेगी, हम लोग एक बार जिनको भी डाउट है उनको बुलाएंगे अपने ऑफिस में और सारे डाउट क्लियर करते हैं। स्थिति को देखते हुए SDM देवेश शाशनी पुल के पास पहुँचे और सभी शक और संदेह को खत्म करने की बात कही। एक बंदे का तो सर पट गया, हमारा वर्कर का, उसको हॉस्पिटल ले गए, मशीन के सिस्से टूट गए। नेपाल की आर्मी सामने खड़ी है लेकिन उनको कुछ भी नहीं कह रही, ना मना कर रही, ना वहाँ का प्रशासन कुछ कर रहा। दरअसल भारत अपने क्षेत्र में तटबंध का निर्माण कर रहा है, कंस्ट्रक्शन कंपनी काम में लगी है, लेकिन निर्माण कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा। रविवार को कुछ लोगों ने लगातार पत्थरबाजी की, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई थी। लगातार हो रही पत्थरबाजी के बाद सेनाएं अलर्ट मोड पर हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा का 3 दिन तक चलने वाले शीतकालीन सत्र की बात करें तो आज दूसरा दिन है। आज सदन में हंगामे के आसार है। सत्र के पहले दिन दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। सत्र के पहले दिन दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। खासतौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह यादव को याद किया और संवेदना व्यक्त की। उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए, उनके दुखी परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। शीतकालीन सत्र में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 33,700 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। इसके साथ ही सत्र की कार्यवाही मंगलवार तक स्थगित कर दी गई। मुलायम सिंह जी के निधन के कारण ये सदन शोकाकुल है, इसीलिए उनको कल ले लेंगे, अब उठते हैं कल 11 बजे। सत्र से पहले भी विधानसभा के अंदर सपा नेता धरने पर बैठ गए। सपा विधायक MLC और रालोद विधायक ने सरकार विरोधी स्लोगन लिखकर तख्तियां लहराई। साथ ही उपचुनाव में भाजपा पर धांधली करने का आरोप लगाया। चुनाव को प्रभावित कर रही है, निर्वाचन आयोग के आग में धूल झोंक करके सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर अपने पक्ष में मतदान कराने की हठधर्मिता दिखा रही है। सपा नेताओं ने महंगाई, बेरोजगारी, कानून, स्वास्थ्य व्यवस्था, किसानों के कई मुद्दों को लेकर सरकार विरोधी नारे लगाए। दूसरी तरफ सपा के विधायक नाहिद हसन ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के सामने विधायक पद की शपथ ली। वही उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में नगर पालिका अध्यक्ष और महापौर सीट के आरक्षण की तस्वीर साफ हो गई। प्रदेश में उपचुनाव की वोटिंग खत्म होने के साथ ही निकाय चुनाव की घंटी बज चुकी है, जिसकी जानकारी यूपी के नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम हैं, जिनमें 2 सीटें अनुसूचित जाति को दी गई हैं, जबकि 4 सीटें पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हैं। 3 नगर निगम महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए। 17 नगर निगम में फिरोजाबाद, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, बरेली और शाहजहांपुर अनारक्षित रखी गई है। उत्तर प्रदेश में कुल 200 नगर पालिका हैं। 27 सीट SC के लिए, 54 सीट OBC के लिए और 79 सीट अनारक्षित हैं। महिलाओं के लिए 40 सीट रिजर्व की गई है। अनुसूचित जाति के लिए कुल आरक्षित सीटें 2 हैं, पिछड़ा वर्ग के लिए कुल आरक्षित सीटें 4 हैं। 200 नगर पालिका परिषदें हैं, उनमें अनुसूचित जाति हेतु जो आरक्षण है वो कुल 27 सीटों का है। तो 545 नगर पंचायत सीटों के लिए 73 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं। अनुसूचित जाति की इन 73 सीटों में से 25 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। सूत्रों की माने तो नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान 8 से 10 दिसंबर के बीच हो सकता है। उत्तर प्रदेश के 71 जिलों में स्टेट GST की टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। GST विभाग की 248 टीमों ने पहली बार टैक्स चोरी के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई। GST विभाग की 248 टीमों ने पहली बार टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाई की। अचानक हुई छापेमारी में हर जगह हड़कंप मच गया। GST की टीम ने आजमगढ़ में एक फर्नीचर के शोरूम में छापेमारी की और फर्नीचर शोरूम के डेटा की जांच की गई। तो आगरा में GST की टीम को चमड़े और फोम का कारोबार करने वाली ताज इंटरनेशनल के टैक्स हेरफेर की सूचना मिली, जहाँ छापेमारी की गई। तो शामली में सदर कोतवाली क्षेत्र के फवारा पर इनकम टैक्स विभाग ने एक साथ 4 जगहों पर छापा मारा, जिनमें से एक रेस्टोरेंट भी शामिल है। हमीरपुर में GST की टीम ने सुमेरपुर में बिल्डिंग मटेरियल की दुकान पर छापेमारी की। GST टीम के साथ पुलिस टीम के मौजूद होने की वजह से इलाके के कई दुकानदार अपनी दुकान बंद करके फरार हो गए। अमेठी में GST के अधिकारियों ने अयोध्या के डिप्टी कमिश्नर के साथ जायज कस्बे में 2 हार्डवेयर की दुकान पर छापे मारा। ग्रेटर नोएडा GST की 10 टीमों ने असिस्टेंट ज्वाइंट कमिश्नर के साथ एक साथ 16 व्यापारियों की दुकान पर छापा मारा।
और अपने बयानों के चलते अक्सर सुर्खियों में रहने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने विपक्ष को निशाना साधने के लिए एक और मुद्दा दे दिया है। दरअसल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश कर गई है। राजस्थान में प्रवेश करने पर दिग्विजय सिंह समेत कांग्रेस के बड़े नेता कोटा एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने राजस्थान के कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल से मुलाकात की और एक नया बयान दे दिया। पहली बार तो धारीवाल ने दिग्विजय सिंह की बात नहीं सुनी, तब दिग्विजय सिंह ने दोबारा वही बात। कुछ दिन पहले एमपी के एक और पूर्व सीएम कमलनाथ ने भारत जोड़ो यात्रा में पैदल चलने पर बयान दिया था। इसके ठीक उलट राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के आगरा में दिग्विजय सिंह का नाम लेते हुए बताया कि भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने पैदल चलने का फैसला क्यों किया। कभी हवाई जहाज में उड़ते हैं, उड़न खटोले में आते हैं। किसवीं सदी में अगर हिंदुस्तान को समझना है तो पैदल चलने की जरूरत। राहुल गांधी के बयान पर उनके ठीक बगल में खड़े दिग्विजय सिंह तालियां बजाते नजर आ रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।